सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनु स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, स्कूली शिक्षा की तैयारी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लगातार हम लोग सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं, जितनी भी सरकार ने बनाई है अब तक प्राथमिक शिक्षा के लिए, उतनी योजनाएं लगातार हम कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रहे हैं। कौन कौन से कार्यक्रम, कौन कौन सी योजनाएं प्राथमिक शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए, नामांकन को और अधिक बढ़ाने के लिए, इसके अलावा बच्चों का स्कूलों में ठहराव हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज स्कूली शिक्षा की तैयारी, जिसको हम स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इन्हीं सब कार्यक्रमों में से एक है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना है। आप सभी लोगों को पता है, कोई भी कार्य अगर अचानक आपके आगे आ जाए तो आपको उसको करने का मन नहीं करेगा। जैसे अब आप सभी को पता है कि बच्चा डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में नहीं जाता, उससे पहले उसे बेबी क्लास में पढ़ाया जाता है, फिर नर्सरी में जाता है, LKG UKG, इन सभी प्रोसेस से गुजरता है बच्चा, उसके बाद वो क्लास 1 में एडमिशन पाता है। लेकिन सरकारी विद्यालयों में, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बच्चा सबसे पहले क्लास 1 में ही जाता है। तो इस समस्या को देखा गया, तो जब बच्चा सीधे क्लास 1 में आता है तो उसके वो स्कूली शिक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, आप देखिए यहाँ पर, जब बच्चा सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेता है तो शिक्षा के प्रति उसको अरुचि होती है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो अगर उसको इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज में, तो उसको निश्चित रूप से असफलता मिलेगी, और जिसे भी असफलता मिलती है वो हतोत्साहित तो जरूर होता है, उसके अंदर उत्साह की कमी हो जाती है, उसको मोटिवेट करने की जरूरत होती है। और जब बच्चा हतोत्साहित हो जाता है, जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करता है, विद्यालय को छोड़ देता है। तो इसी सब समस्या को देखते हुए, इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, सरकार ने सोचा कि सबसे पहले बच्चों को स्कूल जाने के लिए हमें तैयार करना चाहिए। तो तैयार करने के लिए क्या चलाया, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया। अब स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का मतलब कि स्कूल जाने से पहले उसको तैयार करना। तो तैयार कहाँ पे करेंगे, तैयार हम करेंगे पूर्व प्राथमिक केंद्र, नर्सरी या फिर आंगनवाड़ी में। यहाँ से बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं तो जल्दी सीखते हैं, यानी कि बच्चे सबसे पहले आंगनवाड़ी में जाएंगे। आंगनवाड़ी में उनको छोटी छोटी चीजें करने को सिखाई जाएंगी, छोटे छोटे खेल सिखाए जाएंगे, और स्कूल में कैसे बच्चे दिन भर रहते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, छोटी छोटी चीजें आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री होती हैं उनके द्वारा ये सब चीजें बच्चों को सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक तरीके से बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश लेने से पहले आंगनवाड़ी में उसको पढ़ाई करनी है, जिसको हम पूर्व प्राथमिक केंद्र भी बोल सकते हैं, नर्सरी भी बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में ही जानते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से बच्चा जब कक्षा 1 में जाएगा तो उसको निश्चित रूप से पता होगा कि स्कूल में कितना देर तक हम ठहरते हैं, कितनी चीजें पढ़ते हैं और क्या क्या खेल खेलते हैं, ये सभी चीजें उसको आंगनवाड़ी में पता चल जाएंगी। और आप सभी लोगों को पता है कि आंगनवाड़ी में भी बच्चों को पोषाहार मिलता है, वहां पर भी उन्हें खाने के लिए पोषाहार दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है, रेडी का मतलब ही होता है तैयार होना। तो स्कूली शिक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले बच्चों को क्या किया जाता है, उनको आंगनवाड़ी में भेजा जाता है। अब देखिए, इसके बाद स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं, विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि बच्चों को स्कूल के बारे में बताया जाता है, स्कूल का अनुभव कहाँ मिलता है उसको, जब वो आंगनवाड़ी में ठहरता है, आंगनवाड़ी में और अलग अलग बच्चों के साथ खेलता है, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करता है, वहां पर जो उसको सिखाया जाता है वो करता है। तो इस तरीके से उसे एक आइडिया होता है कि इस तरीके से स्कूल में जाते हैं, बच्चों के साथ मनोरंजन भी होता है, खेल भी होता है और खाने को भी मिलता है और बहुत सारी चीजें कराई जाती हैं। तो उसे एक चीज समझ में आती है कि इसी तरीके से स्कूल में भी अगर हम जाएंगे तो वहां पर भी ये चीजें हमको मिलेंगी, पढ़ाई के साथ साथ हमको खाना खाने को मिलेगा, हमको खेलने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चा स्कूल जाने के लिए उत्साहित रहेगा और स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। अब देखिए, बच्चों को मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से तैयार करना, यानी कि जब बच्चा रोज आंगनवाड़ी में जाएगा, जब उसकी एक हैबिट बन जाएगी, रोज सुबह उठ करके नहा धो करके उसके माता पिता, घर का कोई भी सदस्य उसको आंगनवाड़ी में पहुंचाएगा, तो
तरीके से उसके अंदर रोज स्कूल जाने का या रोज आंगनवाड़ी में जाने का एक उत्साह हो जाएगा कि हाँ मैं रोज जाता हूँ, मैं कुछ ना कुछ वहां से सीखता हूँ, अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, तो ये सभी चीजें वो सीखता है, तो उसके अंदर मानसिक, उसका मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और संवेगात्मक विकास भी होता है और वो स्कूल के लिए रेडी होता है। इसके अलावा आत्मविश्वास सुदृढ़ करना, यानी कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो यहाँ पर उसको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खेल खेलने को मिलते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। अब देखिए विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का क्षेत्र, विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाले कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित किए जाएं, यानी कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम बनाना या ऐसे खेल बनाना या इस तरीके के मनोरंजन के कार्यक्रम बनाना जिससे बच्चे विद्यालय के प्रति क्या हो सके, आकर्षित हो सके। इसके अलावा यहाँ पर जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है इसके अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें होती हैं, यह आप देखिए यहाँ पर देखिए, संज्ञानात्मक कौशलों का विकास होता है, शैक्षिक तैयारी, अक्षर ज्ञान, ध्वनि, बोलना सिखाया जाता है यहाँ पर, यानी कि बच्चों की जो शैक्षिक तैयारी है वो आंगनवाड़ी केंद्र से शुरू हो जाती है, यानी कि जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है इसके अंतर्गत बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है, बच्चों को बोलना बताया जाता है, बच्चों को ध्वनियों का सही उच्चारण करना सिखाया जाता है और बहुत सारी चीजें बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों से, नर्सरी से सीख करके जाते हैं। जब वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से ये सब चीजें ग्रहण करके जाते हैं तो जब वो कक्षा एक में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें बहुत ही दिक्कत नहीं होती है। और जो बच्चे ये सब चीजें नहीं पढ़ के डायरेक्ट कक्षा एक में आते हैं उन सबको, आप सभी को पता है कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है ये काफी हद तक सफल रहा और ये जो कार्यक्रम था इसने जो आंगनवाड़ी केंद्र आज आप देखते हो कहीं ना कहीं इसी कार्यक्रम की देन है कि आज सब जगह आपको सभी प्राथमिक विद्यालयों के पास आपको आंगनवाड़ी केंद्र मिल जाएगा और यहाँ पर बच्चे आकर के सीखते हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां उन्हें अच्छे से सिखाती हैं अक्षर ज्ञान, ध्वनि, बोलना, ये सभी चीजें। इसके अलावा उन्हें एक्टिविटीज भी कराती हैं, बहुत सारे खेल भी खिलाती हैं और उन्हें पोषाहार भी मिलता है। इसके बाद देखिए व्यक्तिगत और सामाजिक तैयारी, जब बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है, समाज में निकलता है तो बहुत सारी चीजें वो सीखता है, बहुत सारी चीजें बच्चे एक दूसरे को देख करके सीखते हैं, अपने मित्र मंडली को देख करके सीखते हैं, अपने आसपास के वातावरण को देख करके सीखते हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है कि बच्चे की सामाजिक तैयारी भी एक तरीके से होती है। इसके अलावा देखिए मनोरंजन क्रियाकलाप एवं सृजनात्मकता का विकास, अब जब बच्चे बाहर आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो मनोरंजक चीजें करेंगे, यानी कि वो खेल खेलेंगे, क्रियाकलाप, अलग अलग तरीके की कहानियां सुनने को उन्हें मिलेंगी आंगनवाड़ी में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा बताई जाएंगी, तो उनकी जो सृजनात्मक क्षमता है वो क्या होगा, वो भी उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट किया जाता है आंगनवाड़ी केंद्र में जैसे कि स्कूल में उनको पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र में खेल के माध्यम से बच्चों को अधिक चीजें सिखाई जाती हैं कि बच्चे इंटरेस्ट भी लें, मनोरंजन के साथ चीजों को पढ़े भी। तो यहाँ पर आपको अधिकतर बच्चों को खेल ही खिलाते हुए आपको मिलेंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से संभालना थोड़ा आसान होता है। अब इसके बाद देखिए बच्चों को धैर्य, स्वच्छ आदत, सम्मान, आदर, सुरक्षा, गाना, खेल, कागज, मिट्टी आदि, यानी कि बच्चों को धैर्य रखना सिखाया जाता है, स्वच्छ आदतें सिखाई जाती हैं, सम्मान आदर करना सिखाया जाता है, सुरक्षा की भावना बताई जाती है, बच्चों से गीत गाने को कहा जाता है या बच्चों से कुछ ना कुछ अपनी टूटी फूटी भाषा में सुनाने को कहा जाता है, बच्चों से कागज के द्वारा या मिट्टी के द्वारा कुछ बनाने को कहा जाता है। तो इस तरीके से बच्चे बहुत ही क्रिएटिव चीजें यहाँ पर आकर के सीखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम था इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे स्कूल में आकर, स्कूल आने से पहले उनकी एक तैयारी हो जाए कि वो स्कूल में आने के लिए लालायित रहे, यानी कि जब बच्चों को इस तरीके से ट्रीट आप कर दोगे आंगनवाड़ी केंद्र में, बिल्कुल उन्हें स्कूल जाने के लिए रेडी कर दोगे आप, जब सारी चीजें यहाँ से वो सीख करके आएंगे कि हाँ इतनी देर तक हमें स्कूल में ठहरना है, ये चीजें हमें करनी है, कैसे हमें कॉपी पे लिखना है, क्या चीजें करनी है, तो बच्चे के दिमाग में ये चीज सेट हो जाएगी कि हाँ रोज सुबह उठ करके नहा धो करके खाना खा करके हमें स्कूल जाना है और स्कूल में भी हमें खाना खाने को मिलेगा, हमारी पढ़ाई अच्छे से होगी, हमें खेल खेलने को मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें हमारे टीचर करवाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे भी उत्साहित होंगे और बच्चे भी स्कूल में आने के लिए तत्पर रहेंगे और इस तरीके से अगर बच्चे स्कूल में आने के लिए तत्पर रहेंगे तो यहाँ पर बच्चों में ना तो शिक्षा के प्रति अरुचितपन होगी, ना तो वो असफल होंगे और ना ही हतोत्साहित होंगे और विद्यालय आने के लिए
तत्पर रहेंगे। और यही उद्देश्य है किसका, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का। इसीलिए बनाया गया कि बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। और तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बच्चों को नर्सरी में, आंगनवाड़ी केंद्र में या पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को भेजना है। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरी चीजें आपको समझ में आई होंगी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की। और इससे अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ही अच्छे से उसको कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको इसके पहले की क्लासेस चाहिए तो आपको हम इसके नीचे उसकी लिंक दे देते हैं, यानी कि जितनी भी क्लासेस हमने इस सब्जेक्ट की करवाई हैं आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसका प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर आप जितना भी वीडियो हमने इस पूरे सब्जेक्ट का बनाया है आपको मिल जाएंगी। आसानी से आप उनको देख करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपना पूरा, ये जितना भी आपका ये सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, क्योंकि ये 50 नंबर का पेपर है, इसीलिए आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं चाहे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, आपके कॉलेज के ग्रुप में, जहां पर भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों की मदद हो सके और लगातार सब लोग हमारे वीडियो से ऐसे ही जुड़े रहें, क्योंकि आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, और जहां कहीं भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, जय हिंद।